नमस्कार, ओम शांति। अन्नपूर्णा रसोई में मित्रों आपका स्वागत है। हम हर बार एक नई रेसिपी लेके आपके सामने आते हैं और आपको उस रेसिपी के बारे में बताते हैं। कितनी मात्रा में कितनी रेसिपी चाहिए वो अभी आपको बताते हैं। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है ये भी हमारे मेहमान आपको बताते हैं। आज की इस अन्नपूर्णा रसोई में हमारे कौन मेहमान है ये मैं आपको बताती हूँ। ये नेपाल से चंद्र नारायण जी हैं, ब्रह्मा कुमार राजयोगी, जो पिछले 19 वर्षों से ज्ञान में हैं। साथ ही साथ ये 15 वर्ष से शांतिवन राजस्थान माउंट आबू हेडक्वार्टर में किचन में सेवाएं दे रहे हैं। इनके हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टी होता है। आइए मैं आपका, आप मेरे इस मेहमान का स्वागत करते हैं। चंद्र नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज हम आपसे कुछ सीखने के लिए भी उत्सुक हैं और साथ ही साथ ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आज आप क्या बनाना जा रहे हैं। आज हम सेवैया बना रहे हैं, नमकीन सेवैया। उसके लिए हम सारे इकट्ठे किए हैं काट के। वैसे क्या क्या सामग्री लगती है इसमें? जैसे कि पहले तो सेवैया लिए हैं 2 कटोरी जी। उसके बाद इसका मटेरियल सब है, आलू है, कैप्सिकम, फिर ये टमाटर है जी, और ये मटर है जी, ये फूलगोभी और ये पत्ता गोभी है। मतलब दोनों हम, हाँ दोनों, अगर दोनों में से कोई भी हो चलेगा जी। और ये पेप्सी, ये और ये मिर्ची है, ये इसको कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता है जी जी। और ये धनिया है। तो अब हम शुरू करेंगे। ये आप घी डालेंगे? हाँ, ये घी है, घी में थोड़ा सा सेकेंगे इसको। अब ये सेवैया 2 कटोरी है, इसमें डाल रहे हैं जी। इसके बाद हम चालू करेंगे जी। चालू कर दिए, अब हम इसे सेकेंगे। इसको ऐसे ही बिना घी के? नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे जी। तो घी डालने से वो खुला खुला हो जाएगा जी। थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें, आधा चम्मच 2 कटोरी के लिए। हाँ, आधा चम्मच 2 कटोरी के लिए आधा चम्मच। अब ये जब तक पूरा सेकाई होगा तब तक हम ये दूसरा भी चालू कर देते हैं जी। और इसमें हम थोड़ा 1 चम्मच घी डालेंगे। ये आप इसमें सब्जी फ्राई करेंगे? सब्जी फ्राई करेंगे जी। 1 चम्मच घी डालते हैं। ये आपने क्या डाला? ये राई है। अच्छा, ये राई डाल दिया। ये आधा आधा चम्मच? हाँ, आधा से भी पौना चम्मच, आधे से भी पौना। जीरा, जीरा डाल दिया, थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब इसके बाद कड़ी पत्ता डालेंगे हम थोड़ा, ठीक है जी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए जी। 2 कटोरी के लिए 1 कटोरी आलू। 1 कटोरी आलू जी। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको सेक देंगे। थोड़ा कम ही डालेंगे, आधी कटोरी नमक थोड़ा डाल देंगे ताकि वो जल्दी पक जाए। आधा ही डालेंगे पूरे 1 कटोरी है। ये मक्का भी हम डाल देते हैं, आधी कटोरी ना, आधी कटोरी जी। ढक देंगे इसको, उठा के अभी एक बार चला देते हैं। तो आपने कहा कि आपको हिंदी में प्रॉब्लम आती है, तो नेपाल में जो आपकी पढ़ाई है या यूनिवर्सिटी है या कोई जॉब करते हैं तो वहां पर भी आपकी लैंग्वेज नेपाली ही चलती है? और पढ़ाई करके विदेश जाना है, ये मेरे मन में था। अब थोड़ा टमाटर डाल देते हैं, ये पक गया है जी। कटोरी मतलब उसको पकने के बाद टमाटर डालना है। फिर तो यहाँ आकर आपको ऐसी क्या अनुभूति हुई जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे उस जीवन में नहीं जाना है, वो जीवन मुझे नहीं चुनना है, मुझे यहीं रहना है? मेरे को मतलब आपको परमात्मा में ऐसी क्या रुचि नजर आई या क्या अनुभव नजर आया? मेरे को यहाँ आते ही सबसे पहले तो यही अनुभव हुआ कि
इतने बड़े हॉल और इतने डाइनिंग देखा तो मैं बोला ये कोई व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये परमात्मा की कार्य है और यहाँ ही मुझे रहना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ कारोबार है इसलिए मेरे को जाके वहाँ से पूरा निपटा के आना चाहिए। लेकिन बाबा को मंजूर था कि यहीं रहना है, तो मैंने बोला हाँ जो बोल दिया हो गया, दीदी को बोलना माना बाप दादा को बोलना। अच्छा। अब उनकी बात मैं काट नहीं सकता, इसलिए मुझे अब जो भी हो जाए लेकिन मुझे रहना है। तो फिर मैं वो बात को स्वीकार कर लिया और उसके बाद हमने रहा। एक बार चला देते हैं जी। अब ये पक गया है, इसमें पानी डाल देते हैं। कितना पानी? इससे दो दो कटोरी में दो बार डालेंगे, दो कटोरी पानी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दो गिलास या ढाई गिलास? दो गिलास डाल सकते हैं, दो गिलास तो हम इसी से डालेंगे गर्म पानी। गर्म पानी तो अब इसमें एक पानी डाल देते हैं। लेकिन पानी डालने की जरूरत क्या थी, आपने तो इसको पका लिया था, आप उसको अब ये जो है ना इसको ऐसे बॉयल करके भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन हम इसी में बॉयल करेंगे, मतलब उस वेजिटेबल में ही उसे तो इसलिए हम इसी में पानी डाल दिए। अब इसको ही चला देंगे बढ़िया से। पहले नमक थोड़ा सा डाले थे हम जी, थोड़ा और डाल देते टेस्ट अनुसार से कितना लगेगा, आधा चम्मच। इसके बाद ये थोड़ा गरम मसाला है, गरम मसाला में सब तरह की चीजें जी 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 जी, ये भी आधा चम्मच, ये भी डाल दिए, बस हो गया। ये आप लाल मिर्च यूज नहीं करते? लाल मिर्च नहीं करते ज्यादा, क्योंकि हरी मिर्च यूज कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए छोड़ उबलने देते हैं जी। उसके बाद हम सेवैया डालेंगे, तो इसलिए यहाँ भी बहुत पालना मिला और उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम सारे सीखते गए। मतलब आपने 15 साल यहाँ पे कंटिन्यू बिता दिए, मतलब आप अभी तक परिवार में नहीं गए? परिवार में तो हम हर साल जाते हैं। अच्छा। साल में एक बार जाते हैं, 15 दिन रहते, एक महीना रहते हैं, माता जी पिताजी सब है, भाई है सारे जी। अभी सभी परिवार पूरा ज्ञान में चलता है? पूरा तो नहीं है, माना सब संबंध संपर्क में है, सब सेंटर पे भी जाते रहते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, और मेरा सेवा जो है बाबा के लिए ये मेरी सेवा है। आपने अपना जीवन पूरा जी हमें सिलेक्ट किया है। अब ये हो गया है जी, तब इसमें हम ये सेवैया डालेंगे, मिक्स कर देते हैं जी। अब ये इसी में पूरा पक जाएगा, पानी भी सूख लेगा, मतलब अब इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब ये पानी सूख गए थोड़ा सा है, इसका बेनिफिट स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा चीज है, मतलब जब मर्जी तब खा सकते हैं बना के, या सिर्फ एक नाश्ते के लिए ही? नहीं, रात को भी बना के खाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है शरीर के लिए। और ये मशीन मेड है, हाथ का भी बना के रखते हैं। अच्छा, पहले हम लोग हाथ का भी बनाते थे, तो अभी तो ये मशीन मेड है। तो उसमें इसका हाथ का जो बनाते हैं वो आटे का ही है? आटे का भी होता है, चावल का भी होता है। अच्छा, ऐसे भी बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। और इसका ये बेनिफिट ये है कि दूध में भी डाल के खाते हैं तो बहुत मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है। और ये नमकीन भी बनाते हैं, बहुत वैरायटी बना सकते हैं इसका। लेकिन ये अगर कुछ नहीं है तो उबाल के पानी में, गर्म पानी में, फिर जीरा हींग और मिर्ची डाल के ऐसे भी वैसे भी, मतलब उसमें सब्जी डालने की भी जरूरत नहीं, आप इसको उस तरह से सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं। और हेल्थ के लिए जिसको डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो इसको थोड़ा सा भून के फिर उसको गर्म पानी में उबाल के थोड़ा देर, उसके बाद वो पानी भी पी सकते हैं, वो भी हेल्दी होता है। मतलब इसको उबाल के उसका जो पानी बचता है वो पानी पीते फिर उससे वो किस लिए? वो डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसके अच्छा, लिए अच्छा, भी अच्छा, 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 अच्छा। अब इसको निकाल देते हैं। अब ये हो गया है, खुशबू आने लगी है ना। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे जी, डाल दे धनिया डाल देते हैं। अब ये हो गया है, अब इसको आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कीजिए जी। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी, क्या बात है। पानी आ रहा है क्या? देखो प्लीज थोड़ा सा तो कष्ट करो ना बनाने का, ऐसा थोड़ी होता है मेरी तरफ ही देखते रहोगे, प्लीज नजर नहीं लगाना। हम्म,
एकदम टेस्टी नमकीन सेवैया, मतलब वेजिटेबल नमकीन सेवैया आपने बना के हमें खिलाई और मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। खुशबू आप तक पहुंचती नहीं है, बनाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। भाई जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी हमें बनाकर दिखाई, साथ ही साथ उसकी सामग्री भी हमें बताई कि कितनी मात्रा में हमें चाहिए। आपका बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सीखी नमकीन सेवैया, मैंने तो टेस्ट भी की, आपका मुझे पता नहीं। ये नमकीन सेवैया हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह ही खाना या दोपहर को ही खाना या रात को ही खाना, नहीं, जब आपको भूख लगे तब आपको आप बना के खा सकते हैं। अगली अन्नपूर्णा रसोई में नए मेहमान के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।